हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को इनडाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो इनडाइजेशन को हिंदी में अपच कहते हैं। इनडाइजेशन, जब डाइजेशन में आपका गड़बड़ी हो तो इसी को इनडाइजेशन कहते हैं। और इनडाइजेशन ये कोई रोग नहीं है, लेकिन ये इनडाइजेशन जो है वो बहुत ही खराब चीज़ है। इनडाइजेशन हो जाने पर बहुत तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेगी। तो इनडाइजेशन के कारण क्या है? तो इनडाइजेशन के कारण कुछ नहीं, बस कॉमन कॉमन चीज आपको बताते हैं। इनडाइजेशन का कारण है सुबह समय पर नहीं उठना, लेट लतीफ खान पान, बेटाइम खाना, लीवर आपका फैटी है, इसके वजह से भी कहीं भी जाकर खाना खा लिया और पानी पी लिए, इसका भी वजह होता है। मतलब कि खान पान का कोई टाइम टेबल लिमिट नहीं है, इसके वजह से भी इंडाइजेशन होता है। और कुछ जो है और भी कारण है, लेकिन मेनली यही चीज है। अब इसका लक्षण क्या है इंडाइजेशन के? तो एक्सेस गैस, उल्टी होगा, मिचड़ी होगा, मुंह से बदबू आएगा, ये सब जो है आपका लक्षण है। दूसरा चीज़ है कि इनडाइजेशन हो जाने पर आप जो भी खाना खाएंगे तो ठीक से तो पाचन होगा नहीं। दूसरी चीज़ है आपका ब्लड बनेगा नहीं, और जब ब्लड नहीं बनेगा तो आपका शरीर वीक हो जाएगा, और जब वीक हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां आपके बॉडी में प्रवेश कर जाएंगी। ये सब कारण है। तो इनडाइजेशन अगर हो रहा है तो इसका बेहतर ढंग से इलाज करवा लें, और होम्योपैथी में इनडाइजेशन का बहुत ही बेटर इलाज है। तो इसका 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो इनडाइजेशन में बहुत ही बेटर कार्य करती है। फर्स्टली तो है आर्सेनिक कलवा। तो आर्सेनिक कलवा के बारे में हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। आर्सेनिक में होता है कि पेट में जलन है और बेचैन है और कंस्टिपेशन है, तो इसमें आप आर्सेनिक खा लें। दूसरी दवाई है ब्रानिया। ब्रानिया जो है एक गर्मी के दिनों में ब्रानिया दवा कंस्टिपेशन में बहुत ज़्यादा काम करती है। इंडाइजेशन जो नहीं हो रहा है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा काम करेगी। दूसरा चीज़ है सीने में जलन होगा, इस टाइप का अगर आ रहा है सिम्टम तो आप ब्रानिया दवा खाएं। उसके बाद आपका एक और दवा आती है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में आपका जो पेट है एनी टाइम खाली खाली रहेगा, लेकिन खाली खाली रहेगा, थोड़ा सा कुछ दिक्कत रहेगा, लेकिन खा लेने के बाद पेट में आराम मिल जाते हैं। मतलब कि पेट खाली खाली रहेगा और गैस बनेगी, और जैसे ही कुछ खाना खाते हैं आपको गैस में आराम आ जाता है थोड़ा देर के लिए, तो आप एनाकार्डियम दवा खा लें। उसके बाद दवा आती है कारोवेज। कारोवेज में है कि आप बहुत ज़्यादा ढेकार ले रहे हैं, खाते हैं और गैस बन रहा है, ढेकार ले रहे हैं, तो आप कारोवेज मेडिसिन खाएं। 30 पावर में कोई भी मेडिसिन, जो ब्रानिया भी 30 में, एनाकार्डियम भी 30 में, आर्सेनिक कलवा भी 30 में, और जो हम बताए आपको कारोवेज भी 30 में, कोई भी मेडिसिन उपयोग करें शुरुआत दौर में तो 30 पावर में उपयोग करें। उसके बाद आता है नक्स भूमिका एक मेडिसिन। तो उसका पेशेंट आलसी होता है, लेजी होता है, उसमें कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, तो आप नक्स भूम मेडिसिन 30 पावर में लें। और सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, अगर ये जितनी मेडिसिन हम आप लोगों को बताएं उससे अगर सिम्टम आपका मिलता है तो कोई एक मेडिसिन, ऐसा नहीं कि टोटल मेडिसिन, कोई एक मेडिसिन, जैसे इतना जो मेडिसिन बताया, आर्सेनिक बताया, ब्रानिया बताया, नाकार्डिन बताया, कारो बताया, नक्स भूमिका बताया, उसमें से एक मेडिसिन जो आपके सिम्टम पर लग रहा है कि हाँ ऐसा सिम्टम है, जैसे खाली खाली पेट है और आपका गैस बन रहा है, थोड़ा सा मन भी ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा खाना खाया आपको आराम आ जाए, तो आप एनाकार्डियम खाएं। बहुत ज़्यादा जलन है, बर्निंग है, बेचैनी है शरीर में, तो आप आर्सेनिक खा लें। कारों में जो जाएंगे बहुत ज़्यादा ठेकार, एसिडिटी बहुत ज़्यादा उसमें जाता है, वो लें। तो कोई मेडिसिन को खाने का मतलब है कि एक मेडिसिन को आप उपयोग करें, वो इनडाइजेशन में से बहुत ही बेटर काम करती है।
साथ में इसके साथ हम एक मेडिसिन और जोड़ते हैं, चिलिडोनियम क्यू। उसे आप 10 बूंद ताजा पानी के साथ सुबह शाम पी सकते हैं। अब इसे ब्रानियां खा रहे हैं तो सुबह में 4 बूंद खा लिए, 10 मिनट के बाद आप चिलिडोनियम क्यू मदर टिंचर को पी लिए सुबह, और मदर टिंचर जही पिए सुबह शाम, और ब्रानिया 30 पावर में आए तो सुबह दोपहर शाम, 200 पावर में खाते हैं तो सुबह शाम, इस टाइप से दवा लें तो बहुत ज़्यादा काम करेगी आपको इनडाइजेशन में। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।